बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सचिवालय और उनके मंत्रियों के बैठने का जो दफ्तर है वो बेहद जल्द नए लुक में नजर आएगा। खास बात ये कि इनको पेंटिंग से सजाया जाएगा। भवन निर्माण विभाग को इसकी जिम्मेदारी मिली है। भवन निर्माण को सौंदर्यीकरण की जिम्मेदारी दी गई है, जिसके तहत विभाग ने कलाकारों के चयन और दर निर्धारण के बाद मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित व गठित समिति के सामने कलाकारों के नाम का चयन किया है। इस कार्य के लिए मिथिला पेंटिंग से जुड़े हुए कुल 115 कलाकार जबकि कंटेम्प्रेरी आर्ट से जुड़े हुए 65 कलाकारों को चयनित किया गया है। कुछ फोटोग्राफर्स भी चुने गए हैं जो 11 कार्यशालाओं में कलाकृतियों का निर्माण करेंगे। तो पेंटिंग्स यहां से निकलेंगी, वो कहां लगेंगी, क्या योजना है? इन कार्य ये जो अभी 10-11 इस तरह के कार्यशाला होंगे जिसमें हम देश के भी हम जाने माने कलाकार जो हैं, कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट जो हैं, उन पेंटर्स जो हैं, उनको हम लोगों ने बुलवाया है। उसकी बेजाबता एक प्रोसेस हुई है, स्क्रीनिंग हुई है और स्क्रीनिंग होने के बाद उनका सिलेक्शन हुआ है। थीम हम लोगों ने खुद दिया है जो बिहार से रिलेटेड थीम्स है, जो हमारा महावीर, बुद्ध और आम्रपाली, जो हमारी पुरानी विरासत है उनसे रिलेटेड हम लोगों ने थीम दिया है। ये देश के जाने माने जो पेंटर्स हैं ये लोग इसको बना रहे हैं और ये हमारा जो सचिवालय है उसमें और भी भवन निर्माण की जो भी महत्वपूर्ण जो भी हमारा इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स हैं उसमें हम लोग इसको डिस्प्ले करेंगे। इसमें फोटोग्राफर्स भी आए हैं, जो जाने माने फोटोग्राफर्स हैं वो लोग भी देश के आए हुए हैं, उनकी भी फोटोग्राफी को हम लोग, जैसे राजगीर का है, वैशाली का है, जो भी इम्पोर्टेंट प्लेस है उसकी फोटोग्राफी को भी हम लोग यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। सो दैट कि जो हमारा आने वाली पीढ़ी है, जो आने वाली जनरेशन है, वो सब भी इन पेंटिंग्स को देख करके अपनी विरासत के प्रति उनका भी मन जो है वो प्रफुल्लित है। लगभग 180 कलाकारों में से 162 कलाकार बिहार के तथा लगभग 38 कलाकार फोटोग्राफर्स दूसरे राज्यों के होने हैं। यह योजना बिहार में अब तक की पहली योजना है जिसके पूर्व कभी भी बिहार में कला सृजन के लिए इतनी बड़ी कार्यशाला का आयोजन नहीं किया गया था। विभाग भवनों के साज सज्जा के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है, जिसके तहत ज्ञान भवन में म्यूरल मूर्ति लगाई गई है। पूर्व में भी भवन निर्माण विभाग के द्वारा विभिन्न महापुरुषों की मूर्तियों की स्थापना की गई है। बिहार के बाहर से आए कलाकारों ने बिहार के बारे में पेंटिंग को लेकर के क्या कहा है, सुनिए। ये क्या है कि ये जो कला आर्ट एंड कल्चर को लेके एक डिपार्टमेंट होता है जो आर्ट एंड कल्चर को देखता है, तो जो कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन जो है, भवन निर्माण डिपार्टमेंट, इतना बड़ा इवेंट कर रहा है और मैं समझता हूँ कि एक अम्ब्रेला ऐसा है, एक ऐसा मंच जो विनय कुमार जी ने बुलाया है, सब जितने भी आर्टिस्ट हैं सब मतलब इतने सीनियर मोस्ट हैं और इतने क्रिएटिव और कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं, लेकिन ये कैंप थोड़ा हटके है क्योंकि ये जो हमारे बिहार की जो विरासत है उसको लेके है। तो मेरे ख्याल में एक एक हर एक आर्टिस्ट को एक सब्जेक्ट दिया गया है, इस पर काम करना है, थोड़ा सा नैरेटिव वर्क है, थोड़ा सा रियलिज्म है, तो सब लोग बड़े बहुत बढ़िया से तरीके से कर रहे हैं। मेरे पीछे जो मेरी पेंटिंग देख रहे हैं, ये जो अपने ये ईस्टर्न चंपारण जो डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ को लेके स्तूपा जो पीछे देख रहे हैं ना, केसरिया, तो उसी को लेके काम कर रहा हूँ। तो अभी कल ही शुरू किया है, अभी आगे आगे देखो मज़ा आएगा। जी सर, बिहार के बारे में बना कैसा फील आ रहा है, क्योंकि बिहार को बिहार के बारे में, बिहार का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है और बिहार को आर्ट के रूप में बनाना बीइंग आर्टिस्ट कैसा लग रहा है? देखिए क्या है कि अगर कंट्री से बिहार निकाल दिया जाए तो सारी विरासत निकल जाएगी, सारी तो यहाँ पे समाई हुई है और सबसे बड़ी इतने खूबसूरत धाम है उनके, तो मैं समझता हूँ बिहार में आना बहुत हमारे लिए बड़ी बड़ी बात है। न्यूज़ 4 नेशन की रिपोर्ट।